नहीं, वो दौलतमंद ने बहुत बड़ी डिग्री ली थी, एमबीए या पीएचडी, तो वो सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझ पे क्यों प्रेशर दे रहे हैं तालीम का इतना। अच्छा देखिए जुबी, बात ये होती है, और इसका मतलब ये मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि जी तालीम जरूरी नहीं है, तालीम जरूरी है। अब हम बात करेंगे वो जो करोड़पति अरबपति जो इंसान बनता है वो शख्स किस तरह से बनता है। लेकिन जो अमीर बनना जो है ना आसान भी है और अमीर रहना बड़ा मुश्किल है। मेंटेन करना इसलिए कि दुनिया में कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन में जीतता वही है जो एक्सपर्ट होता है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को उनकी काबिलियत के मुताबिक एक्सपर्ट बनाएं। यानी अगर बच्चे में एक ख्वाहिश है कि वो एक सिंगर बने और अल्लाह ने वो सलाहियतें दिए हुए, तो आप उसकी सिंगिंग के ऊपर एजुकेशन दें। और जब वो एक अच्छा सिंगर बनेगा तो मैं आज आपको बता दूं, हो सकता है कि वो आम डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाए, आम इंजीनियर से ज्यादा पैसे बनाए। और इसी तरह अगर उसे डॉक्टर बनने का शौक है तो उसे आप इंजीनियर या वकील ना बनाए। क्यों? क्योंकि वो शौक उसको दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बना देगा। तो मेरी गुजारिश यही है तमाम माँ बाप से कि बच्चों को नंबरों के जो दौड़ है उसके अंदर मत डालें। सब हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आ सकता ना, अगर 35 बच्चे हैं क्लास में, 35 के 35 वो फर्स्ट थोड़ी आएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ बच्चों को ऐसे जानता हूं कि जो बच्चे फेल होते थे, जिनके माँ बाप बड़े परेशान होते थे, मगर वो इस दुनिया में इस वक्त बहुत कामयाबी की जगह पर है। वो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनको शौक था उनके ऊपर उन्होंने काम किया और वो शौक उनको एक्सपर्टीज की तरफ लेके गए और वो आज बहुत बड़े सिंगर बन गए, बहुत बड़े आर्टिस्ट बने, बहुत बड़े एंकर्स बने और अपनी अपनी फील्डों में बहुत बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब वो बने हैं जो कि जिनको अपना शौक था। याद रखिएगा, जब आपको किसी चीज का शौक होता है ना, तो फिर चाहे दिन हो या रात हो, आप काम कर रहे होते हैं, वो शौक जो है ना आपको थकाता नहीं है। आप देखिए, जब बच्चों को किसी को गाना सुनना होता है तो पूरी रात गाना सुनता है, वो थकता नहीं है। किसी बच्चे को अगर गेम खेलना होता है ना कंप्यूटर पे, वो 16 घंटे 18 घंटे गेम खेलता है, नींद भी भूल जाता है, मगर थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शौक है। और वो उस गेम के अंदर वो किस स्टेजेस पे पहुंच जाता है जहां पे मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि हम इस स्टेज तक जा सकते हैं। तो हर एक की एक एक्सपर्टीज है। अब माँ बाप परेशान इसलिए होते हैं कि दुनिया में देख रहे होते हैं कि भाई महंगाई बहुत है, आगे कंपटीशन बहुत है। मैं अगेन आप लोगों से कहूंगा, तालीम का हासिल करना जरूरी है, मगर तालीम का मतलब यह है कि जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे अपने शौक से करें। और अगर बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चे को आप जो है वो कमतर मत बताएं, हम उसे कमतर बना देते हैं, तुम तो फेल हो गए हो। नहीं, वो फेलियर उसका सक्सेस होता है। याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो फिर आप उसका हौसला बढ़ाएं, उससे ज्यादा मोहब्बत करें, उसे डांटे नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया की नाकामयाबियों से लड़ना सीखेगा, मगर आपने अगर बचपन में ही उसे हरा दिया तो वो दुनिया की नाकामियों का कैसा सामना करेगा? क्योंकि उसको खौफ होगा कि जब मैं छोटा था, मैं फेल हुआ था, सारी दुनिया ने मुझे जलील किया, स्कूल ने जलील किया। माजरत के साथ ये अल्फाज मैं कह रहा हूं, जेब नहीं देता ये अल्फाज इस्तेमाल करना भी, मगर ये हकीकत है। इस दुनिया की हकीकत है कि बच्चों के ऊपर जहनी दबाव आता है जब बच्चे फेल हो जाते हैं, सिर्फ स्कूल की तरफ से ही नहीं बल्कि माशरे की तरफ से, उनके अपने रिश्तेदारों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से। तो आगे जाके वो दुनिया का फैसला करने में उसे दुश्वारी होती है।
और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है, फिर वो आगे अपनी औलाद के साथ करता है जी। तो आज अपने आप को बदलिए, फेल हो गया कोई बात नहीं बेटा,